Hi students, I'm Dr. Prabhat and today we are going to learn about the classification of Arthropoda phylum. Last lecture में हमने Arthropoda phylum देख लिया. Arthropoda की वो examples या वो सारी बातें भी हमने कर ली है जो NEET UG के लिए important है. पहली बात जो आप समझो कि ये lecture जो हम करने वाले हैं it's not so much important for NEET UG. ये लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए है जो कुछ एक्स्ट्रा एज रखना चाहते हैं, जिनकी नॉर्मल सिलेबस की पढ़ाई हो चुकी है. क्योंकि नीट यूजी में क्लासिफिकेशन के क्लासेज पार्ट से, मतलब लाइक कि अर्थोपोडा के क्लासेज पार्ट, यहाँ हम अर्थोपोडा की क्लास की बात करें तो अर्थोपोडा के क्लास से एज सच क्वेश्चन ना के बराबर आता है ना. सो फर्स्ट थिंग, दिस लेक्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन द नॉर्मल सिलेबस एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर द एक्स्ट्रा एज. सो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन. द सेवन इंपॉर्टेंट क्लास वी हैव टू नो ऑफ द अर्थोपोडा. सेवन इंपॉर्टेंट क्लास कौन कौन से क्लास है? फाइलम को क्लास में हम डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से क्लास हैं? ये हैं फोर मेट्रोसिटी ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, देन मुंबई, देन कलकत्ता हम जानबूझ के लिख रहे हैं, नॉट कोलकाता वी आर राइटिंग बिकॉज इन निमोनिक इट्स कलकत्ता, देन चेन्नई आर ओफन इंजूरियस है ना, टू हेल्थ ऑफ कोर्स. इनके फर्स्ट लेटर इज द नेम ऑफ द क्लास. You can see D stands for Diplopoda, M stands for Merostomata, C stands for Chelopoda, this C stands for Crustacea, A stands for Arachnida, O stand for Onychophora, and I stands for the Insecta. So the class Insecta is the largest class of this phylum, and already you have told me that the phylum Arthropoda is the largest phylum. Two third of the named species of Earth are from this phylum Arthropoda. ठीक है. So let's see, इनमें सात में से you know the favorite word of Hindu religion, Om. So O and M. ये दो क्लास एकदम छोटे छोटे हैं, इसमें सिर्फ एक एक लाइन ही है. चलिए देखते हैं उनके बारे में. पहले Onychophora एंड Merostomata है ना, इट्स Merostomata, इट्स ओ हियर. सो Onychophora जो है वो आम आदमी पार्टी का आदमी है ना, ये आम आदमी पार्टी का आदमी है. मीन्स इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन Annelida एंड Arthropoda है ना, इन दोनों का ये कनेक्टिंग लिंक है ना, इट्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस. ठीक, बाकी पॉइंट आप सिर्फ इतना याद रखो, एग्जाम्पल इज Peripatus एंड इट्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन Annelida एंड Arthropoda. ठीक है, देन इट्स अ लिविंग फॉसिल. लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लिविंग फॉसिल का मतलब है, व्हाट इज लिविंग फॉसिल मींस, सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स नो चेंज हैज बीन सीन है ना. इनके स्पीसीज में कोई भी चेंज देखा नहीं गया है इनटू दिस स्पीसीज फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर. लिमुलस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल है ना, Merostomata में है लिविंग फॉसिल, हॉर्स सू और किंग क्रैब. ठीक है, बाकी जो भी नेफ्रीडिया, बुकगिल्स, कॉक्सल के लिए लिखा, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर नीट यू जी पॉइंट ऑफ से. आप सिर्फ इतना याद रखो, Peripatus कनेक्टिंग बिटवीन Annelida एंड Arthropoda, एंड लिमुलस इज ऑल्सो नोन एज किंग क्रैब और हॉर्स सू क्रैब, एंड इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल. इस स्लाइड में सिर्फ इतने दो बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है. बाकी के पांच क्लास पे आते हैं हम. कौन कौन से पांच क्लास बच गए? इंसेक्टा, क्रस्टेशियन, Arachnida, Diplopoda एंड Chelopoda. इसमें से मैं क्या चाहता हूँ आप याद रखें, देखो आई एंड डी
you know ID card is identity card. And while doing the arthropoda, what we have seen the identity of this phylum is that the body is divided into three parts. So what is the identity of this phylum? That body is divided into three parts: head, thorax and abdomen. तीन पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है, इसकी आइडेंटिटी है. यानी इंसेक्टा एंड डिप्लोपोडा का बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, है ना. इंसेक्टा एंड डिप्लोपोडा की बॉडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. एंड जो बाकी के तीन क्लासेस बच गए स्लाइड में, उनका बॉडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन. Cephalothorax and abdomen. So ID have head, thorax and abdomen. Rest to have cephalothorax and abdomen. ठीक है. Antenna, insecta have one pair of antenna. Crustacean have two pair of. Arachnida do not have the antenna. मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ को याद रखें, that arachnida do not have the antenna. ठीक है. We'll see that, of course we'll not discuss because it's not important for you. I'm just telling that six pair में से एक जो सामने वाला pair है ना, वो as antenna काम करता है arachnida में, है ना. So it's absent. Mode of gaseous exchange देखो, इसमें tracheal system insecta में normal जब हम पढ़ रहे थे phylum तब भी हमने ये देखा था. इसमें book gills and इसमें book lung. Book word क्यों use किया वो भी आपने बोला था ना? Lung मतलब exchange surface, and since there are many exchange surface which are arranged one above other, so it looks like the pages of a book. So we are saying book gills if it is for the water and book lung if it is for the land. ठीक है. आइए excretion पे आते हैं. What is MT? MT is Malpighian tubules. MT is Malpighian tubule. So in insecta you have MT, that is Malpighian tubules for the excretion, whereas rest have green gland, coccal gland and then again Malpighian tubule. Malpighian, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, दैट वाई ग्रीन ग्लैंड इज नोन एज ग्रीन ग्लैंड. हमने देखा था वाई ग्रीन ग्लैंड इज नोन एज ग्रीन ग्लैंड. सपोज दिस इज द हेड ऑफ द इंसेक्ट एंड दिस इज द एंटीना. सो एट द ओपनिंग ऑफ दिस ग्लैंड देर इज ग्रीन पिगमेंट, हैंस दे आर नोन एज ग्रीन ग्लैंड. एंड अदर थिंग्स, सिंस दे आर ओपनिंग नियर द एंटीना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटीनरी ग्लैंड. सो ग्रीन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज एंटीनरी ग्लैंड. वाई? बिकॉज दे आर ओपनिंग नियर द एंटीना. सिमिलरली वट इज दिस कॉक्सल ग्लैंड? कॉक्सल ग्लैंड हमने पढ़ा था, कॉक्सा इज वन ऑफ द सेगमेंट ऑफ देयर अपेंडेजेज, एंड सिंस इट इज ओपनिंग नियर दैट वन सेगमेंट कॉक्सा, हैंस इट इज नोन एज कॉक्सल ग्लैंड. ठीक है. अपेंडेजेस थ्री पेयर्स, हैंस द इंसेक्टा आर ऑल्सो नोन एज हेक्सापोडा. दे हैव 10, सो दे आर नोन एज डेकापोडा. दे हैव 8, सो दे आर नोन एज ऑक्टापोडा. सर यू हैव रिटन 6 पेयर, नाउ यू आर सेइंग दैट 4 पेयर. व्हाट इज दिस? आउट ऑफ दैट 6 पेयर, फर्स्ट 2 पेयर में से एक पेयर तो मैंने बोला था एंटीना का काम करा, दूसरा एक पेयर फीडिंग एंड कैचिंग ऑफ प्रे में काम करता है ना. तो बच कितने गए? बाकी के 4 पेयर ही बचे हैं ना. दे आर 1000 लेगर एंड दे आर 100 लेगर्स. ठीक है. सो इसमें से यदि आप मेरे से पूछेंगे हमें याद क्या रखना, मैं बोलूँगा सिर्फ इंसेक्टा एंड डिप्लोपोडा हैव 3 पार्ट और बाकी हैव 2 पार्ट. याद रखो एरेक्निडा डू नॉट हैव एंटीना, आप ये याद रखो. एंड बाकी का आप ब्रीदिंग एंड एक्सक्रीशन के मोड याद रखो. एंड इंसेक्टा आर ऑल्सो नोन एज हेक्सापोडा बिकॉज दे आर 3 पेयर ऑफ द लेग. ये 4-5 बातें मैं बोलूँगा इस स्लाइड पर, आप याद रखें. आइए आगे चलते हैं. दिस इज द टेबल सेइंग द कंप्लीट फैक्ट्स ऑफ दीज क्लासेस, बट एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस लेक्चर इज ओनली फॉर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स. सो लेट्स सी, मेरोस्टोमेटा की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, इसमें आपको क्या याद रखना है. ऑन्काइफोरा की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, इसमें हमें क्या याद करना है. इन दोनों को हम टच नहीं करेंगे, तो मैंने इन दोनों को अलग से हटा लिया. ठीक है. अब आते हैं हम एरेक्निडा पे. एरेक्निडा में मैं चाहता हूँ, देखो ये आपने बोला था ऑक्टोपोडा. वाई? बिकॉज जो फर्स्ट पेयर है वो एंटीना का काम कर रहा है और एक जो नेक्स्ट पेयर है वो खाने का काम कर रहा है ना, तो चेलिसीरियन पेडिपाल्पिस. ठीक है. एंटीना एब्सेंट आपने मेरे को बता दिया था. इसमें एक चीज़ मैं चाहता हूँ आप याद रखें, एग्जाम्पल्स बार बार आते हैं नीट में, सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू विल आस्क मी इसमें से क्या याद रखें. मैं बोलूँगा आप सिर्फ याद रखें टिक, माइट,
a scorpion and a spider. These four belong to the same class. बस इतना आप याद रखो and that class is arachnida. इतना काफ़ी है. A scorpion के last segment में sting organ होता है जिसे टेल्सोन बोलते हैं है ना. ये इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट. सिर्फ ये चार आप याद रखो. All four belong to same class. क्रस्टेशियन में मैं चाहूँगा आप याद रखो all are aquatic and they have the respiratory pigment hemocyanin. It includes prawn, crab. Hermit crab क्यों इंपॉर्टेंट है याद आ रहा है. यूपैरेगस हमने देखा था जब हम सी एनीमोन देख रहे थे सिलेंट्रेट में. हमने देखा था दैट सी एनीमोन एंड हर्मिट दिस यूपैरेगस हर्मिट क्रैब दे सो A special type of association known as commensalism. आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं इसको. Why cyclops is known as husband of 100 wives? Because of polygamous nature. Polygamous मतलब like it have sexual activity with multiple female partners. So ये बच्चे कन्फ्यूज होते हैं. द वर्ड हैव फिश बट इट इज क्रस्टेशिया है ना. बट इसमें आप यदि पूछेंगे कि सर हमें क्या याद रखना, मैं बोलूँगा क्रस्टेशियन में आप याद रखो दे आर एक्वेटिक, हीमोसाइनिन प्रेजेंट एंड प्रॉन क्रैब ये सब इसमें आते हैं. बस इतना याद रखिए आप. ठीक है. डिप्लोपोडा के बारे में आई डोंट थिंक दे विल आस्क सम एनीथिंग एक्स्ट्रा विच ऑलरेडी वी हैव डन 1000 layers and 100 layers. सो उससे एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछना. इंसेक्टा में आइए. इंसेक्टा में अगेन वी हैव टू पार्ट, विंग्ड इंसेक्ट एंड विंगलेस. विंगलेस में सिल्वर फिश इज देयर एंड सिल्वर फिश वी हैव सीन वंस मोर. इससे पहले भी कहाँ देखा था हमने. सिल्वर फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाबोलस ऑर्गेनिज्म. ए मेटाबोलस मतलब मेटामॉर्फोसिस एबसेंट. ए फॉर एबसेंट. मेटाबोलस मतलब मेटामॉर्फोसिस. सो मेटामॉर्फोसिस एबसेंट इन दिस. ठीक है जी. देन वी हैव लाउज बग. ये सब में भी आपका वाई चिनोप्सिला चिओप्सिस रेड बग इज क्यों इंपॉर्टेंट. हाँ देखो दिया हुआ है. इट्स निया पेस्टिस प्लेग कराता है. इट्स अ वैक्टर ऑफ प्लेग. ये मैं चाहूँगा आप याद रखो है ना. प्लेग का वैक्टर कौन है तो रेड फ्ली चिनोप्सिला चिओप्सिस. बॉम्बिक्स सिल्कवर्म हनीबी एंड देन मॉस्किटो आप देखें. कॉकरोच याद रखें. इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम करेंगे. हाउस फ्लाई हैव नो मैंडिबल. लोकस्टा इज ग्रीगेरियस. तो एनसीईआरटी का लोकस्टा इज ग्रीगेरियस. इट्स ऑफ एनसीईआरटी. यदि आप बोलेंगे इंसेक्टा वाले पार्ट में हमें क्या क्या याद रखना है, मैं बोलूँगा लेपिस्मा इज विंगलेस इंसेक्ट. आप ये याद रखो. जिनोप्सिला चिओप्सिस इज द वैक्टर ऑफ एर्सिनिया पेस्टिस दैट इज प्लेग. आप ये याद रखो. विंग्ड इंसेक्ट में सिर्फ आप अभी नाम याद रखो. आगे हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें. सिल्कवर्म हनीबी मॉस्किटो टर्माइट लैक इंसेक्ट कॉकरोच है ना हाउस फ्लाई ये सब. चलिए सिर्फ नाम याद रखिए. आगे देखते हैं इसमें से क्या चीज़ें हम अपने लिए याद रख सकते हैं. ठीक. ऑलरेडी आपने बता दिया कि दीज फोर्स एग्जाम्पल हमें याद रखना है एरेक्निडा के लिए. दे बिलोंग टू सेम क्लास एंड माइट कॉजेस एस्केबीज. व्हाट इज एस्केबीज. एस्केबीज बीमारी है जिसमें कि ये जो उंगली के बीच में जो है ना इंटर डिजिट स्पेसेस उसमें ना खुजली होते रहता है. सो इट्स ए कंटेजियस. चूने से फैलता है पूरी परिवार में हो जाएगा. ठीक है. देन वी आर गोइंग टू क्रस्टेशियन. क्रस्टेशियन में भी हमने देख लिया था एग्जाम्पल यूपैरेगस साइक्लोप्स एस्टेकस क्रैब एंड प्रॉन. सिर्फ आप नाम भी याद रखेंगे तो काफ़ी है. बातें इंसेक्ट पे. इंसेक्ट में हमने बोला था इंपॉर्टेंट चीज़ें हम एक बार और करेंगे. देखिए हनी भी यूजफुल इंसेक्ट में. हनी एंड वैक्स. वैक्स कहाँ से आता है बताओ. आप याद रखो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एब्डोमिनल ग्लैंड. सिल्कवर्म का सिल्क कहाँ से आता है. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ स्लाइबरी ग्लैंड. लैग का लैग कहाँ से आता है. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ डर्मल ग्लैंड. ठीक है. ये नेक्स्ट मैं चाहूँगा आप याद रखो. फॉर्मिक एसिड फ्रॉम रेड एंट. ठीक है. रेड एंट. देन मैं बोलूँगा ये आप याद रखो. एनोफिलीज से मलेरिया. क्यूलेक्स से एलिफेंटियसिस. एडीज से डेंगी. ये आप तीन चीज़ें याद रखो. मलेरिया देन एलिफेंटियसिस एंड देन डेंगी. द नेक्स्ट सेट्सी फ्लाई कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. सैंड फ्लाई कॉजेज कालाजार. ये प्रोटोजोआ में आपने मेरे को ये सब बताया था. हाउस फ्लाई से तो कॉलेरा डायरिया डिसेंट्री ये सारी चीज़ें फैलती है ना. बस आई विल से इतना आप याद रखें. इट विल बी सफिशियंट फॉर यू. इससे ज़्यादा ऑफकोर्स इतना भी नहीं पूछेंगे वो, बट इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा. ऑलरेडी वी हैव सीन दिस ना कि इंसेक्ट जो इंसेक्टा का जो क्लास है उसको हम दो क्लास में डिवाइड किए हैं. विंग्ड एंड विंगलेस में.
So the same story they are now repeating here. Now we are going to communication of honeybee. Communication of honeybee. ये किसी बच्चे का नोटबुक का पिक है जो मैंने कभी क्लास में पढ़ा है. कम्युनिकेशन ऑफ हनीबी. देखिए इस इसमें से क्या क्या आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है ना. हालांकि इतना डिटेल पूछेंगे नहीं, बट इसमें से क्या क्या याद रखना है मैं बताता हूँ. पहली बात तो सबसे पहले ये जो स्पिर्जनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था कि भैया ऐसा कुछ है, तो डिस्कवर आप बोल सकते हो, डिस्कवर्ड बाई स्पिर्जनर. डिकोड किसने किया था? कार्ल वॉन फ्रिंच. इन्होंने इसको डिकोड किया था, इस हनी बी के डांस को. अब एक चीज़ आप ध्यान दो कि हनी बी का डांस क्या है. हाइव है. हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता. सपोज दिस इज द हाइव ऑफ द हनी बी. यहाँ पे मान लो कि आपके थाउजेंड्स हनी बी रहते हैं. इसमें से एक हनी बाहर गए, एक हनी बाहर जाके इनको पता चला कि देयर इज सोर्स ऑफ सम नेक्टर, इधर फ्लावर्स बैठा हुआ है ना, इसको पता चला. नाउ दिस हनी बी विल रिटर्न बैक टू इट्स हाइव, और वहाँ वो लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे हनी का सोर्स है. सो ये कैसे बताएंगे? दिस इज दिस राउंड डांस एंड टेल वेगिंग डांस. देखो, इफ द सोर्स, सोर्स का डिस्टेंस बिटवीन हाइव एंड सोर्स, बिटवीन हाइव एंड सोर्स ये कितना है, इस पर डिपेंड करेगा. इफ इट इज़ लेस देन 75 मीटर, 75 मीटर से कम है ये डिस्टेंस, देन हनी बी विल कम एंड विल डू शेप ऑफ एट डांस और राउंड डांस. वॉट इज शेप ऑफ एट डांस? देखो आप हॉरिजेंटल में सोचो, ये हनी बी है तो यहाँ से ऐसे ऐसे है ना, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल प्लेन में ये ऐसे एट बनाएगा. सो दिस इज शेप ऑफ एट डांस. और यदि इसका डिस्टेंस 75 मीटर से ज़्यादा है तो ये वर्टिकली डांस करेंगे, वर्टिकली डांस करेंगे. दिस इज टेल वेगिंग डांस, दिस इज टेल वेगिंग डांस. देखो आपसे ना इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि टेल वेगिंग डांस इन शेप ऑफ एट और राउंड डांस क्या है. आप सिर्फ इतना याद रखो, लेस देन 75 देन राउंड एंड मोर देन 75 देन टेल वेगिंग. ठीक है. हालांकि यदि किसी बच्चे को इंटरेस्ट है तो आप जान सकते हो कि दे कैन ऑल्सो से द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स फ्रॉम द हाइव, कि हाइव से किस डायरेक्शन में सोर्स है. कैसे बताते हैं वो, देखो मैं इस स्लाइड पे आपको बताता हूँ. सपोज करो दिस इज अ सन, और सन के और ये हाइव है और ये सोर्स है, ये फ्लावर है. यदि सन के डायरेक्शन में है सोर्स, देन तो वर्टिकली वो एकदम से वर्टिकल डांस शुरू करेंगे, एकदम ऊपर ऐसा है ना, ऐसा. सो दिस विल बी द आपका ऊपर की साइड का ये. अब देखो सपोज करो कि ये सोर्स जो है ये यहाँ ना होके कहाँ है, ये हाइव है सेकंड केस, ये सन है, और जो सोर्स है वो यहाँ पे है, ये सोर्स है. नाउ सपोज द दिस इज थीटा एंगल, दिस इज थीटा एंगल. सो उनका डांस कैसे होगा, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे एंगल बनाएंगे एंड नाउ दे विल स्टार्ट द डांस ऐसे. ठीक है. वही यदि इस साइड होगा तो थीटा ऐसे बनेगा. यदि अपोजिट होगा तो मान लो कि सोर्स जो है वो उल्टा है ना, वो नीचे की मतलब मान लो ये सन है, ये हाइव है और इधर सोर्स है. अब ये क्या करेंगे, नाउ द डांस विल बी ऐसे उल्टा डाउनवर्ड. पहले वाले में जो सेम में था तो क्या हो रहा था, अपवर्ड चालू हो रहा था डांस, और इसमें नीचे की साइड. ऑफकोर्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एट दिस लेवल, इट्स जस्ट फॉर इंटरेस्ट. सो स्टूडेंट वी हैव डन द दिस क्लासिफिकेशन पार्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग एंड रिइटरेटिंग दैट दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर दोज हु हैव डन द नॉर्मल सिलेबस. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ गो टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड. Thank you. All the best. Keep working.